बड़े शहर की गलियों में एक बड़ा बंगला था, जिसे सुना जाता था कि वहाँ रात को कुछ अजीब होता था। बहुत से लोग कहते थे कि वहाँ रहने वाला पुराना मालिक बहुत ही भूतपूर्वक था और उसका भूत आज भी उस बंगले में घूमता है। इस बंगले का नाम था विक्रम विलास और इसे कुछ सालों से कोई नहीं रहा था, लेकिन हाल ही में एक युवक नामक कैरी मिनाटी ने इसे खरीदा था। कैरी मिनाटी को भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था और उसने इस बंगले में अपना घर बनाने का निर्णय किया। कैरी मिनाटी ने अपने दोस्तों को बुलाया और मिलकर बंगले की सफाई सफाई करने लगा। बंगले के कोने कोने में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, पर कैरी मिनाटी ने उन्हें नजरअंदाज किया। एक रात जब सभी दोस्त बंगले में थे, वह सभी मिलकर कहानियों सुनने लगे। एक दोस्त ने कहा, सुना है कि यहाँ पुराने मालिक का भूत घूमता है। कैरी मिनाटी हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है, भूत की माँ की छूत। तभी बंगले के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई। सभी दोस्त चौंक गए और कैरी मिनाटी ने भी अपनी हंसी रोक ली। फिर वह सभी मिलकर उस दिशा में गए जहाँ आवाज आई थी। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक पुराना खुला अंगड़ान नजर आया। अंगड़ान से एक बड़ा साफ सफाई किया हुआ कमरा दिखाई दिया। वहाँ एक पुराना डेस्क और बड़ी तस्वीरें थीं। कैरी मिनाटी ने तस्वीरों की ओर इशारा किया और कहा, ये तो पुराने मालिक की तस्वीरें हैं, कहीं भी भूत प्रेत नहीं है। उन्होंने तस्वीरें देखते हुए कहा, मुझे लगता है ये सब बस एक मिस्ट्री है, कोई भूत नहीं है यहाँ। उन्होंने सभी दोस्तों को हंसते हुए वापस लौटने का सुझाव दिया और कहा, यह सब सिर्फ हमारी सोच का असर है, भूत प्रेतों की बातें हमें डराने के लिए होती हैं। उन्होंने वहां से बाहर निकलते हुए कहा, मेरा इस बंगले में रहने का मकसद है कि यहाँ पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करूं। भूत प्रेतों की बातें सिर्फ हमारे ख्यालात में होती हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है। वह सभी दोस्त हंसते हुए उसके साथ सहमत हो गए और उन्होंने मिलकर विक्रम विलास को एक नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने साबित किया कि भूत प्रेतों की बातें सिर्फ किसी कहानी का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका कोई स्थान नहीं होता।